आज पूरी के साथ खाई जाने वाली हलवाई स्टाइल आलू की सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। भंडारे में जब हम आलू की सब्जी खाते हैं तो बिना लहसुन प्याज के वो बनी होती है, लेकिन उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है। घर पर हम ट्राई करते हैं लेकिन वैसी सब्जी बन नहीं पाती, तो आज मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसे ट्राई कीजिए। वही भंडारे वाला टेस्ट बिना लहसुन प्याज के आने वाला है। आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। बार बार आप ऐसे ही बनाना चाहेंगे। इसे आप पूरी ही नहीं, रोटी, पराठे, कचौरी, यहाँ तक कि चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले एक मसालों का मिक्स बनाकर हम तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक कटोरी में लेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, दो छोटे चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर जरूर डालें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर। अब इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, दो से तीन चम्मच के करीब, और इसका गाढ़ा पेस्ट हम बना लेंगे। मसालों का गाढ़ा पेस्ट हमने बना लिया है, इसे साइड रखेंगे और चलते हैं सब्जी बनाने के लिए। कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून ऑयल और साथ ही एक टेबल स्पून देसी घी। आप चाहें तो सिर्फ तेल में भी ये सब्जी बना सकते हैं, लेकिन घी डालकर देखिए टेस्ट डबल हो जाता है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप घी और ऑयल दोनों का यूज करें। तो अब इसे हम गर्म होने देंगे, मीडियम हॉट होना चाहिए ऑयल, बहुत तेज गर्म ना हो। ऑयल गर्म हो गया है, मीडियम हॉट है इस समय ऑयल, और फ्लेम को भी हम लो या लो टू मीडियम कर लेंगे, जिससे कि मसाले हमारे जलेंगे नहीं और इसका फ्लेवर अच्छी तरह से आएगा। तो इसमें डालेंगे अब एक छोटा चम्मच साबुत जीरा, आधा छोटा चम्मच सौंफ है, इसका टेस्ट इस सब्जी में बहुत ही अच्छा आता है, दो तेज पत्ता, दो साबुत लाल मिर्च, एक इंच दालचीनी का टुकड़ा और दो लौंग है। इसी के साथ साबुत धनिया को दरदरा कूट लिया है इस तरह से, एक टेबल स्पून है ये भी, और चौथाई छोटे चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना ज्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो सब्जी का टेस्ट कड़वा हो सकता है, तो चौथाई छोटा चम्मच है ये। 10 सेकंड के लिए इसे हम भून लेंगे, मसालों का कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा, अच्छी सी इसकी खुशबू आने लगेगी। तो 10 से 15 सेकंड के लिए इसे हम भून लेते हैं। 10 से 15 सेकंड के लिए मसालों को हमने भून लिया है, हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया है और खुशबू भी बढ़िया आ रही है। अब इसमें डालेंगे अदरक, तो एक टेबल स्पून भर के अदरक लिया है, जो भंडारे वाली सब्जी होगी उसका टेस्ट आपको याद होगा, तो उसमें बहुत ही अच्छा सा एक अदरक का फ्लेवर आता है, बिना लहसुन प्याज के है तो इसमें अदरक बहुत अच्छी मात्रा में जाएगा। तो एक टेबल स्पून मैंने लिया है, अदरक को ग्रेट करके लें। इसी के साथ दो हरी मिर्च है, ये भी बारीक काट के ली है, मिर्च भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और चौथाई छोटा चम्मच हींग है, अदरक हरी मिर्च और हींग डालने के बाद भी हम इसे 10 से 15 सेकंड के लिए भून लेंगे। फ्लेम हमें लो टू मीडियम या लो ही रखनी है। 10 से 15 सेकंड के लिए अदरक और हरी मिर्च को भी हमने भून लिया है। अब इसमें डालेंगे, फ्लेम लो रखनी है इस समय, इसमें डालेंगे दो छोटे चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर। कश्मीरी मिर्च पाउडर ज्यादा तीखी नहीं होती, लेकिन इसका कलर बहुत अच्छा आता है सब्जी में, तो इसे इसी टाइम डालना है ऑयल में डायरेक्ट, इसे हमने मसाले में इसीलिए मिक्स नहीं किया था। तो दो छोटे चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर है, मिक्स करेंगे इसे इस तरह से। मिर्च को भून लेने से बहुत ही अच्छा कलर इसका आता है। और मिक्स करने के बाद साथ के साथ इसमें डालेंगे तीन मीडियम साइज के टमाटर हैं, जिसे ग्रेट करके लिया है। टमाटर को आप ग्रेट करके डालें या इसे बारीक चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन इसे आप बिल्कुल पेस्ट बना के ना डालें। मिक्सी में अगर पीस रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखें कि दरदरा ही पीसें, बिल्कुल बिल्कुल फाइन पेस्ट इसका नहीं बनाना है, बिल्कुल बारीक ना करें इसे, तो अच्छा होगा कि आप कद्दूकस करके लें। मैंने कद्दूकस करके ही लिया है, मिक्स करेंगे इसे। अब इसी के साथ डाल देंगे इसमें स्वादानुसार नमक, नमक डाल के मिक्स कर देंगे और इसे हम 2 मिनट के लिए लगभग पकने देंगे। टमाटर पूरी तरह से नहीं पकाएंगे, पहले 2 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। फ्लेम लो टू मीडियम कर लेते हैं। 2 मिनट के लिए टमाटर को हमने पकाया है, टमाटर अभी पूरी तरह से नहीं पके हैं। अब इसमें हम डाल देंगे ये जो मसाले का पेस्ट हमने बनाकर रखा था, ये अभी हमने इसमें डाल देना है। पेस्ट डालने के बाद इसे भी मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद अब हम इसे भूनने देंगे। इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर या लो फ्लेम पर भूनेंगे, जब तक मसाले में से ऑयल अलग ना हो जाए। तो टमाटर और मसाला अच्छी तरह से भून गया है, देखिए इससे ऑयल अलग होने लगा है, मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें डालेंगे उबले हुए आलू। इस रेसिपी में आपको उबले हुए आलू का ही यूज करना है, कच्चे आलू ना डालें। तो 5 से 6 उबले हुए आलू लिए हैं, इसे हमें काट कर नहीं डालना है, इस तरह से हाथ से मैश करके डालें।
मैश करके डालने से सब्जी का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही बहुत बढ़िया आता है, बिल्कुल वही भंडारे वाली आलू की सब्जी जैसा ये टेस्ट भी करेगा और इसका टेक्सचर भी वैसे ही आएगा, देखने में भी बिल्कुल वैसी ही लगेगी। तो इसलिए इस तरह से हम आलू को हाथ से तोड़ के डाल देंगे। आलू डालने के बाद इसे मसाले में पहले हम मिक्स करेंगे हल्के हाथ से और थोड़ी देर के लिए इसे मसाले के साथ भून लेंगे, एकदम से इसमें पानी नहीं डालेंगे। एक दो मिनट के लिए इसे मसाले के साथ भून लेते हैं। एक दो मिनट के लिए आलू को मसाले के साथ भून लिया है, अब इसमें डालेंगे पानी। तो पानी आप जैसी ग्रेवी रखना चाहें उस हिसाब से रखें। मैं 1.5 कप पानी डाल रही हूँ और गर्म पानी लिया है। गर्म पानी डालने से सब्जी का कुकिंग प्रोसेस रुकता नहीं है और जल्दी हमारी सब्जी तैयार हो जाती है, टेस्ट भी अच्छा आता है। तो 1.5 कप गर्म पानी डाला है। आप अगर चावल के साथ के लिए इसे बना रहे हैं तो ग्रेवी थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं, पूरी के लिए थोड़ी कम ग्रेवी वाली ही आलू की सब्जी अच्छी लगती है। मिक्स करने के बाद अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी ली है, इसे हाथ से हल्का सा इस तरह से क्रश करके डाल देंगे। मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसे ढक देते हैं। ढककर लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हम 3-4 मिनट के लिए पकने देंगे। सब्जी को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आया है। भंडारे में जैसी सब्जी हम खाते हैं आलू की, बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर है इसका और वही कलर आया है, टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही आएगा। ट्राई जरूर कीजिएगा इस रेसिपी को। अब हम गैस कर देंगे बंद, इस पर डालेंगे बारीक कटा हरा धनिया और इसे सर्व करें आप पूरी या कचौरी के साथ, या चाहें तो इसे रोटी पराठे के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी, ये बहुत ही बढ़िया लगती है। रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिएगा और कैसी लगी आपको ये कमेंट करके जरूर बताइएगा।